तो वाई क्रेंस्की गवर्नमेंट फेल्ड, हम ये कर रहे थे कल, तो हमने कहना कि जार के बाद व्हेन ऑटोक्रेटिक रूल इन रशिया केम टू एन एंड, फर्स्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाज सेट अप इन रशिया एंड दैट सेट अप अंडर क्रेंस्की। क्रेंस्की जो था ना आते ही अनपॉपुलर हुआ एंड द रीजन बिहाइंड दैट वाज क्रेंस्की डिड नॉट टुक रशिया आउट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, ही डिड नॉट गिव राइट्स टू नॉन रशियंस, फॉर नॉन रशियंस रशिया बिकेम प्रिजन ऑफ नेशन, दे वर नॉट अलाउड टू स्पीक देयर लैंग्वेज, फॉलो देयर कल्चर। तो क्रेंस्की ने नॉन रशियंस के साथ भी इनजस्टिस किया, तो इस वजह से हम कहेंगे क्रेंस्की की गवर्नमेंट फेल होती चलेगी। ऑन द अदर हैंड लेनिन वॉज बिकमिंग पॉपुलर एंड लेनिन उन दिनों कहाँ था जब ये रिवोल्ट हुआ, जब लेनिन वॉज एक्साइल्ड टू स्विट्जरलैंड 1917 फेब के रिवोल्ट के टाइम लेनिन वॉज इन स्विट्जरलैंड, ही वॉज एक्साइल्ड टू स्विट्जरलैंड, ही केम बैक टू रशिया इन अप्रैल मंथ एंड आते ही उसने अप्रैल थीसिस इंट्रोड्यूस कर दिए। तो ये भी 2 मार्क्स में कन्वर्ट हो सकता है, व्हाट डू नो अबाउट अप्रैल थीसिस, हु इशूड अप्रैल थीसिस, व्हाट डू नो अबाउट देम। तो किसी भी फॉर्म में तो आप कहोगे अप्रैल थीसिस वर इशूड बाय लेनिन, तो उसमें उसने 3 प्रोमिसेस किए थे विद द पीपल ऑफ रशिया। अब वो प्रोमिसेस वही लिखने हैं, उसमें उसके प्रोमिसेस मत चेंज किया करो प्लीज, बच्चे चेंज कर देते अपने वे से प्रोमिसेस बना देते हैं, जो उसने नहीं किए वो भी बना देते हैं। फर्स्ट उसने कहा कि इफ ही वुड कम टू पावर ही वुड टुक रशिया आउट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, कि अगर वो पावर में आया वो रशिया को कहां से बाहर कर देगा, फर्स्ट वर्ल्ड वार। ही वुड नेशनलाइज द बैंक्स एंड ही वुड गिव राइट्स टू नॉन रशियंस, लर्न दीज 3 प्रोमिसेस। बच्चे पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, वो नहीं लिखने, जो आपको नहीं दिए हुए प्रोमिसेस जो उसके हैं वही रहने देने हैं। तो ड्यू टू दीज प्रोमिसेस लेनिन वॉज बिकमिंग पॉपुलर, अब लेनिन पॉपुलर हो रहा है, अभी पावर में नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल 2 मार्क्स में पूछा जाए हाउ हिटलर केम टू पावर, बाय पासिंग विच एक्ट हिटलर केम टू पावर, तो ये 2 एक्ट 2 एंड हाउ, तो आपको ये पूरा एक्ट लिख के साथ में बताना है कि उसने क्या क्या अपने अंडर किया, मीडिया, इकोनॉमी, आर्मी, जुडिशरी, और क्या सस्पेंड किए लोगों के राइट। तो इन दिस वे केम टू पावर, ये 2 मार्क्स में हो गया ना। कहा हम करते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिक्टेटरशिप, तो ये 3 नंबर में कन्वर्ट हो जाना। मीन्स वही टॉपिक 2 में भी पूछ सकते हैं, वही टॉपिक 3 में, 2 में जब पूछना है तो उसी को शॉर्ट कर देना है, 3 में पूछना है तो उसी को इलाबोरेट। अब इसी को बड़ा करना है 5 नंबर का, तो फिर यही टॉपिक है, देखो मैं इसी को घुमाई जा रही हूँ, फिर बन जाना है हाउ हिटलर केम टू पावर, फिर आपने पूरा उसके वोटिंग सिस्टम से बताना है, तो वही टॉपिक आना, तो सब कुछ वही है। फिर इसी को मैंने 3 इसी वे से अब अपने आंसर्स आप प्रिपेयर करोगे कि आपको 2 में आए, 3 में आए, 5 में आए, आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है, आप रेडी हो बस। इसी में से 2 का मैंने कन्वर्ट कर दिया इनेबलिंग एक्ट वाला टॉपिक, इसी को मैंने 3 में कर दिया डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिक्टेटरशिप, 3 नंबर का हो गया। इसी को मैं 5 में बोल रही हूँ हो हिटलर केम टू पावर, तो ये 5 नंबर का हो गया, है तो वही है। तो सेम एज यहाँ पे भी है, हमने कहना है जैसे मैं बोलूँ कि रिवोल्ट ऑफ 1917 अब आ गया आपका अक्टूबर, अब वो स्टार्ट होना है यहाँ से। अब क्लैशेज हुए, लेनिन पावरफुल तो हुआ बट पावर में थोड़ा आया, अब क्लैशेज हुए किस किस में, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड बोल्शेविक, क्योंकि दोनों के व्यूज मैच नहीं होते थे। लेनिन जो था उसके प्रोमिसेस डिफरेंट थे, क्रेंस्की तो उसकी फेवर में ही नहीं था, तो दोनों के व्यूज ही नहीं मैच हो रहे थे, दैट्स वाई उनमें क्लैशेज हुए। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड बोल्शेविक्स में जो क्लैशेज हुए, इन्होंने बोल्शेविक्स ने ना एक अपनी पार्टी बनाई, रेवोल्यूशनरी पार्टी सेटअप की, और वो पार्टी इन्होंने सेटअप की अंडर लियोन ट्रॉटस्की, तो उसको सारा इन्होंने होल्ड दे दिया इस रिवोल्ट के लिए। अब बोल्शेविक्स ने क्या कहा कि दे वुड अटैक विंटर पैलेस, जैसे थ्रेट क्रिएट करना था कि अटैक करेंगे बट डेट नहीं बताएंगे, डेट सीक्रेट, तो आप बेटर रोज उसकी प्रोटेक्शन करो विंटर पैलेस की, एक थ्रेट दे दिया, एक धमकी दे दी, दे वुड अटैक विंटर पैलेस बट डेट वॉज कैप्ट सीक्रेट। तो एक तो ये,
उधर से अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी चुप नहीं बैठनी थी, दे अटैक द टू न्यूज़पेपर बिल्डिंग्स ऑफ बोल्शेविक्स। तो इन्होंने एक दूसरे की बिल्डिंग्स पे अटैक किए, दोनों ने, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड बोल्शेविक्स में झगड़े बढ़ते चले गए। तो बोल्शेविक्स ने विंटर पैलेस पे अटैक भी किया एंड स्टॉर्म्ड इट। अब पूरी रशिया में, कहते हैं, मॉस्को सिटी में बहुत वायलेंस हुई। अब सिचुएशन सारा कुछ पीस किसने मेंटेन की? व्लादिमीर लेनिन ने। लेनिन मेंटेन्ड पीस एंड ही कंट्रोल्ड ऑल द सिचुएशन। सब कुछ हैंडल किसने कर लिया? लेनिन ने। क्रेंसकी तो वहां से, कहते, चला गया था। तो लेनिन कंट्रोल्ड द सिचुएशन। तो इन दिस वे लेनिन केम टू पावर। अब लेनिन बन गया लीडर ऑफ रशिया। लेनिन बिकेम द लीडर ऑफ, लेनिन बोल्शेविक पार्टी का लीडर भी था। पावर केम इनटू द हैंड्स ऑफ लेनिन। अब लेनिन के हाथ में पावर आ गई। अब यहाँ पे एक टॉपिक आता है अक्टूबर चेंजेस। अब इसी को तीन पार्ट में मैं कन्वर्ट करती हूँ, अक्टूबर चेंजेस या फिर इम्पैक्ट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1917 अक्टूबर, उसमें भी अक्टूबर चेंजेस, या फिर राइट द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय बोल्शेविक्स और लेनिन, तो वो भी वही है, पता है ना। कोई भी टॉपिक आए, आंसर इज सेम। अक्टूबर चेंजेस भी वही है, लेनिन के रिफॉर्म्स भी वही है, और इम्पैक्ट ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1917 अक्टूबर भी वही है। तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना। अब आगे लेनिन चेंजेस, क्योंकि लेनिन ने प्रोमिसेस किए थे, यू नो इट वेरी वेल, अप्रैल फेसेस में जो प्रोमिसेस किए थे ना, अब लेनिन ने वो प्रोमिसेस फुलफिल भी किए, जैसे हिटलर ने फुलफिल किए थे ना, रिकंस्ट्रक्शन की थी ना जर्मनी की, हिटलर ने भी तो अपने प्रोमिसेस पूरे किए थे। हिटलर ने रिकंस्ट्रक्शन की थी जर्मनी की, वो राइन एंड रूट वापस लेके आया था, उसने ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स की टर्म्स को डिनाउंस तो कहता था वो तोड़ देगा, उसने सच में तोड़ दी थी। नो डाउट जर्मनी की डेवलपमेंट के लिए उसने बहुत कुछ किया, बट एक काम उसने गलत किया ना, जो उसने डिस्क्रिमिनेट किया वो ज्यूस के साथ, उसका ट्रीटमेंट जो था ना, दैट वॉज वेरी पुअर। तो यहाँ पे लेनिन ने भी अपने प्रोमिसेस पूरे किए, ही फुलफिल्ड हिज प्रोमिसेस आफ्टर कमिंग टू पावर। तो उसने सबसे पहले तो वही पॉइंट बन जाएंगे आपके, ही नेशनलाइज्ड द बैंक्स। सबसे पहले तो ही टुक रशिया आउट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रशिया को बाहर किया। इट मींस रशिया केम आउट ऑफ द वॉर इन 1917 अक्टूबर में। रशिया किससे बाहर आ गया? रशिया ने पूरी लड़ाई नहीं लड़ी, तो ही टुक रशिया आउट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देन ही नेशनलाइज द, उसने बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया। फिर गेव राइट्स टू नॉन रशियन, और भी प्रोमिसेस, और भी उसने जो काम किए रशिया की डेवलपमेंट के लिए, मेड रशिया वन पार्टी स्टेट, दैट वाज बोल्शेविक पार्टी। ही बैंड अदर पार्टी, उसने बाकी की पार्टीज बैन कर दी थी, रशिया में सिर्फ एक पार्टी थी, दैट वाज बोल्शेविक पार्टी। रशिया कम्युनिस्ट कंट्री बन चुकी थी, ठीक है, रशिया फर्स्ट कंट्री है जो सोशलिस्ट बनी, रशिया फर्स्ट कंट्री थी जो कम्युनिस्ट बनी। तो उसने सब कुछ, फिर ही आस्क पीपल टू सरेंडर द टाइटल्स गिवन बाय ज़ार। उसने कहा जो जो ज़ार ने टाइटल आपको दिए हुए ना, सब वापस करो, क्योंकि वो टोटली अगेंस्ट था। तो इस वजह से लेनिन ने, और भी इसने बहुत से रिफॉर्म्स किए, उसने लैंड जो थी प्रॉपर्टी किसकी बना दी? स्टेट गवर्नमेंट की। लैंड बिकेम द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये सब रिफॉर्म्स लेनिन ने इंट्रोड्यूस किए, लोग उसके फॉलोअर हो गए। अब लेनिन के बाद, लेनिन की डेथ हो गई, तो लेनिन के बाद स्टालिन पावर में आए। स्टालिन जो था उसने आते ही एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। अब ये टू मार्क्स में कन्वर्ट हो सकता है, हु इंट्रोड्यूस स्टालिनिज्म, व्हाट डू यू नो अबाउट इट। ये थ्री में भी आ सकता है, टू में भी आ सकता है। तो स्टालिनिज्म किसने इंट्रोड्यूस किया? स्टालिन। कलेक्टिवाइजेशन किसने इंट्रोड्यूस की? इट मीन्स कलेक्टिवाइजेशन एंड स्टालिनिज्म एक ही बात है ना, तो इंट्रोड्यूस बाय स्टालिन। अब इसमें कलेक्टिवाइजेशन में उसने क्या इंट्रोड्यूस किया? कलेक्टिव फील्ड, कोलखोज इंट्रोड्यूस, कोलखोज। कोलखोज क्या थे? कलेक्टिव फील्ड्स वेयर पीपल वर्क्ड कलेक्टिवली। एंड ही रिमूव्ड कुलक्स। कुलक्स क्या होते थे? रिच पीजेंट्स। उनकी पावर्स इसने छीन ली। ही रिमूव्ड कुलक्स, इंट्रोड्यूस कोलखोज। तो ये सब कुछ उसने किया। ही गेव पनिशमेंट्स टू द पीपल हु वर नॉट इन द फेवर ऑफ कलेक्टिवाइजेशन। ही फोर्स्ड पीपल टू फॉलो कलेक्टिवाइजेशन। लोगों को फोर्स किया
कि कलेक्टिवाइजेशन सिस्टम को फॉलो करो, गिव स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स, बट ये सिस्टम उसका फेल हो गया क्योंकि एग्रीकल्चर फील्ड में कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई थी विद दिस सिस्टम, देर वॉज नो प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चरल फील्ड, तो दैट्स वाई सिस्टम फेल्ड, उसका ये सिस्टम फेल हुआ, कलेक्टिवाइजेशन फेल हो गया। अब इसके बाद हम कहेंगे क्रेशिया में सिविल वार हुई, ये भी अब 2 मार्क में आ सकती है, ये इसको प्रेजेंट में ही पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट सिविल वार, तो प्रेजेंट में ही आंसर देना, व्हेन देयर इज वार बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ऑफ द सेम कंट्री दैट इज कॉल्ड सिविल वार, ये तो प्रेजेंट फॉर्म में आंसर हो गया। फिर आपने कहना है सच टाइप ऑफ सिविल वार वॉज हेल्ड इन रशिया, अब आप रशिया पे लिख के आओ, पहले तो आपने बताना है क्योंकि आपको पूछा व्हाट डू यू नो अबाउट सिविल वार, गिव एग्जाम्पल ऐसे, तो आपने कहना है सिविल वार का पहले मतलब बताना है, व्हेन देयर इज वार बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ऑफ सेम कंट्री, फिर आपने कहना है सच टाइप ऑफ सिविल वार वाज हेल्ड इन कहां पे हुई थी, रशिया, अब रशिया में किस किस में हुई, बोल्शेविक्स एंड नॉन बोल्शेविक्स, बोल्शेविक्स एंड नॉन बोल्शेविक्स, अब आपने कहना देयर वॉज वार बिटवीन बोल्शेविक्स एंड नॉन बोल्शेविक्स, बोल्शेविक्स को हेल्प की नॉन रशियंस ने एंड उनको नॉन बोल्शेविक्स को हेल्प की दूसरी कंट्रीज सच एज यूके, फ्रांस, तो यूएसए, क्यों, बिकॉज दे वर नॉट इन फेवर ऑफ सोशलिज्म, एज सोशलिज्म वाज स्प्रेडिंग इन रशिया एंड दीज कंट्रीज दे वर नॉट इन द फेवर ऑफ सोशलिज्म, वो अपनी कंट्रीज में सोशलिज्म नहीं लाना चाहती थी, उनको था कि रशिया में आ गया तो हमारी कंट्रीज में भी आएगा, तो उनकी उन्होंने हेल्प की, जबकि इनकी किन्होंने हेल्प की, नॉन रशियंस, क्योंकि इन्होंने नॉन रशियंस को क्या दिए थे, राइट्स, तो सिविल वार कौन जीत जाते हैं, बोल्शेविक्स। अब ये हुई भी क्यों थी सिविल वार, क्योंकि जब बोल्शेविक्स ने लैंड जो थी किससे छीन ली थी, रिच पीजेंट्स, कुलक से, तो दैट वाज नॉट टॉलरेटेड बाय देम, अब वो चुप तो बैठेंगे नहीं, वो भड़क गए, वहां पे लड़ाइयां हुई, सिविल वार में कन्वर्ट होगी, एक ही कंट्री के लोग आपस में लड़ पड़े, मीन्स रिच पीजेंट्स एंड पुअर पीजेंट्स में झगड़े। अब रशिया की सोसाइटी कैसी थी, 85% पीपल क्या थे, एग्रीकल्चरिस्ट, और ये एग्रीकल्चरिस्ट जो थे देवर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, वेरी रिच, मिडिल क्लास, वेरी पुअर। वेरी रिच तो बहुत बड़े फार्मलैंड के ऑनर थे, मिडिल क्लास छोटे छोटे फील्ड्स थे, लैंडलेस भी थे वहां पे, हु वर्कड ऑन द फील्ड्स ऑफ अदर्स, और रशिया की सोसाइटी फ्रांस की सोसाइटी से टोटली डिफरेंट थी। रशिया के पीजेंट्स हर टाइम अपने रिच पीजेंट्स का, जो पुअर पीजेंट्स है ना, दे मर्डर्ड देयर रिच पीजेंट्स, क्योंकि वो चाहते थे कि लैंड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम, उनको था कि लैंड रिच के हाथ में क्यों है, इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर पीपल आल्सो, तो दे मर्डर्ड देयर लैंड लॉर्ड्स, वेयर एज इन फ्रांस वहां पे भी तो हम कहते हैं कि वहां पे ये लोग 10% थे वेरी रिच पीपल, एंड इनके पास जो लैंड थी दैट वाज 60%, वहां पे कहीं पे भी पुअर ने ये डिमांड नहीं रखी थी कि इनकी लैंड हमें दे दो, पड़ा कहीं पे फ्रांस में, नो फ्रांस में नहीं उन्होंने ऐसा कुछ भी मांगा, फ्रांस में पुअर पीजेंट्स ने कई बार अपने रिच पीजेंट्स की हेल्प भी की थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिवोल्ट ऑफ ब्रिटनी, ये बुक में नहीं है, मैंने वैसे एक्स्ट्रा करवाया कि ब्रिटनी के रिवोल्ट में उन्होंने अपने पीजेंट्स की हेल्प की थी, पुअर पीजेंट्स ने रिच पीजेंट्स की हेल्प की थी, एग्जांपल वे से बता रही हूँ, इट मींस फ्रांस के जो पुअर पीजेंट्स थे वो अपने रिच पीजेंट्स के अगेंस्ट नहीं थे, वेयर एज इन रशिया वो तो टोटली अगेंस्ट थे रिच पीजेंट्स के पास, वो उनको जेलस होती थी कि इनके पास इतनी लैंड क्यों, हमारे पास क्यों नहीं, तो ऐसे थे रशिया के पीजेंट्स। और वैसे भी वहां पे आप कहते हो कि वहां पे वुमेन जो थी वो फैक्ट्रीज में वर्क करती थी रशिया में, फिर आप कहते हो कि रशिया में लेदर वर्कर्स थे, रशिया में इंडस्ट्रीज में वर्कर्स वर्क करते थे जिनकी के कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि रशिया में रिवोल्ट लाने वाले कौन थे, वर्कर्स, वेयर एज इन फ्रांस पीजेंट्स, पीजेंट्स ने रिवोल्ट स्टार्ट तो किया बट वो आगे नहीं लेके जा पाए ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज, रिवोल्ट वॉज कैरी फॉरवर्ड बाय फिलोसफर्स, यू नो इट वेरी वेल, तो अगर आपको रशिया और फ्रांस की सोसाइटी में डिफ्रेंशिएट करना है तो आपने कहना टोटली डिफरेंट थी, रशिया में तो वो मर्डर्स करते होते थे अपने पीजेंट्स के, रिच पीजेंट्स के, लैंडलॉर्ड्स के, वेयर एज इन फ्रांस ऐसा नहीं था, वो तो हेल्प करते थे, नो डाउट ब्रिटनी भूल जाए नो प्रॉब्लम बिकॉज इट्स नॉट गिवन इन द बुक, आपको जरूरी नहीं है मेंशन करना, आप एग्जांपल में ये बता सकते हो कि फ्रांस में तो पीजेंट्स हेल्प करते थे अपने रिच पीजेंट्स की, फिर आप कह सकते हो कि फ्रांस की सोसाइटी इसलिए भी डिफरेंट थी, वहां पे वुमेन बिजनेस करती थी,
वो फ्लोरिस्ट थी, छोटी छोटी जॉब्स करती थी, वेयर एज इन रशिया मोस्टली वुमेन वर्कड इन फैक्ट्रीज, वो फैक्ट्रीज में वर्क करती थी। फिर आप कहोगे एक और डिफरेंस था कि फ्रांस में, आपने कहा कि रशिया के जो सोसाइटी थी वो उसमें तीन तरह के पीजेंट्स थे और साथ में वहाँ पे वर्कर्स भी थे, वहाँ पे आप कह सकते हो लेदर वर्कर्स भी थे। तो वहाँ पे जो रिवोल्ट है फ्रांस रशिया में, रशिया में रिवोल्ट वाज स्टार्टेड बाय वर्कर्स, वेयर एज इन फ्रांस दिस रिवोल्ट वाज स्टार्टेड बाय पीजेंट्स। तो ये फर्क था रशिया और फ्रांस में। तो इस वजह से आप बता सकते हो रशिया एंड फ्रांस के बारे में। नो, इज इट क्लियर? अब आपको अगर आ जाए इम्पैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन ऑन वर्ल्ड, इम्पैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन ऑन रशिया, दोनों में फर्क है। चलो आपको आ गया इम्पैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन ऑन रशिया, तो इसमें क्या बताना? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑटोक्रेटिक रूल केम टू एन एंड, सेकेंड रशिया बिकेम सुपर पावर, क्योंकि वो जार के अंडर कैसी कंट्री थी? बैकवर्ड। तो इट मेड ग्रेट प्रोग्रेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लेनिन, देन आल्सो अंडर द पीरियड ऑफ स्टालिन, रशिया सुपर पावर बन गई। और बताओ, और वेरी गुड, कंडीशन ऑफ वर्कर्स क्या हो गई थी? इम्प्रूव्ड। रशिया बिकेम सोशलिस्ट कंट्री एंड रशिया बिकेम फर्स्ट कम्युनिस्ट कंट्री, ठीक है। न्यू स्कूलिंग सिस्टम वाज सेट अप, वेरी गुड। अब वुमेन वर्कर्स जो थी उनको अपने बच्चे फैक्ट्री में साथ लेके जाने की जरूरत नहीं थी, उनके लिए क्रेचेस आ चुकी थी। वुमेन जो थी अपने बच्चों को अब क्रेचेस में छोड़ के जाती थी, और पुअर पीजेंट्स के बच्चे अब हायर यूनिवर्सिटीज में जाना शुरू हो गए थे। तो अब बताओ इम्पैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन ऑन वर्ल्ड, वर्ल्ड के ऊपर क्या असर पड़ा? वेरी गुड, रशिया सुपर पावर बना, इसमें भी लिख सकते हो, यस, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट कंट्री बना। और वॉर बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट, के पूरे वर्ल्ड में कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट में वार हो गई। कैपिटलिस्ट कौन होते थे? बिलीव दैट प्रॉपर्टी शुड रिमेन इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को ही प्रॉफिट मिले और इंडिविजुअल के हाथ में रहनी चाहिए, वर्कर्स के साथ अपने प्रॉफिट शेयर करना नहीं चाहते थे। और वेयर एज सोशलिस्ट वो चाहते थे जो प्रॉपर्टी है ना शुड रिमेन इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के हाथ में होनी चाहिए। तो ये दोनों में आपस में झगड़े हो गए, क्योंकि रशिया सोशलिस्ट कंट्री बन चुकी थी। तो देयर वर क्लैशेस इन द वर्ल्ड बिटवीन सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट। और आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी रीडिफाइंड, अब लोगों ने कहा कि हमें राइट टू वोट तो आपने दे दिया, बट उस राइट टू वोट की कोई वैल्यू नहीं है जब तक आप हमें इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी नहीं दोगे, क्योंकि रशिया में इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं थी, सोशल इक्वालिटी नहीं थी। No doubt right to vote was given to the people, but no economic and social equality was given to the people. No, people demanded that they should given economic and social equality, because world democracy had no meaning without the economic and social equality. वो कहते थे हमें भी economic equality चाहिए, हमारे पास भी land होनी चाहिए, हमें भी काम मिले, job opportunities हमारे पास भी होनी चाहिए, तो हमारा status जो है economic status good होना चाहिए। लोगों ने ऐसी वाली demands रखी थी, और साथ में सोसाइटी में उनके साथ पुअर ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये वाली उन्होंने कहा कि आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी रीडिफाइंड, कि हमें सिर्फ पॉलिटिकल इक्वालिटी से कोई मतलब नहीं है, आप हमें राइट टू वोट तो आपने दे दिया, बट हमारी इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन तो वैसी की वैसी पुअर है। तो पीपल नाउ डिमांडेड इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी ऑल्सो। तो इंडिया में भी तो बाद में आया, इंडिया का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना ना तो उसमें सोशलिस्ट वर्ड नहीं था, सोशलिस्ट 1976 में ऐड हुआ। ये आइडियाज दूसरी कंट्रीज से लिए गए हैं, ठीक है। सोशलिज्म का आइडिया रशिया से लिया हमारी कंट्री ने, क्योंकि रशिया फर्स्ट कंट्री थी जो सोशलिस्ट बनी थी। तो हमारी कंट्री तो 1976 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड ऐड हुआ है सोशलिस्ट। और एक और वर्ड हम कहते हैं, जैसे आप प्रीएम्बल कहते हो तो उसमें आप कहते हो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजोल्व्ड दैट वी कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, आप क्या बोलते हो उसमें, सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सॉवरन तो पहले से बन चुकी थी, सोशलिस्ट कब बनी? एंड सेकुलर भी 1976 में बनी, तो ये बाद में ऐड हुए हैं टर्म्स, ठीक है। तो रशिया में तो लोगों ने तब मांगा जब उनकी कंट्री में रिवोल्ट हुए थे, हमें सिर्फ पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं चाहिए, हमें सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी।